फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसे पेशी पर लाया गया था। यहां हुई मुठभेड़ में टिल्लू गैंग के दो बदमाशों को भी पुलिस ने मार गिराया है। ये सभी हमलावर वकीलों की ड्रेस में वहां पहुंचे थे। इस शूटआउट में अब तक 3 लोगों की मौत की सूचना है। जितेंद्र गोगी तिहाड़ जेल में बंद था। उसे आज पेशी पर रोहिणी कोर्ट लाया गया था। कोर्ट परिसर में ही यह हमला व शूटआउट हुआ है। मारे गए बदमाशों में से एक का नाम राहुल बताया गया है। राहुल पर भी 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। दरअसल जितेंद्र गोगी की गिनती दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टरों में की जाती है। दिल्ली पुलिस ने उस पर 4 लाख व हरियाणा पुलिस ने उस पर 2.5 लाख रुपये का इनाम भी रखा हुआ था। दिल्ली के नरेला इलाके में एक स्थानीय नेता वीरेंद्र मान की हत्या में गोगी और उसके गुर्गों का हाथ पाया गया था। जितेंद्र गोगी पर हरियाणा की मशहूर सिंगर हर्षिता दहिया की हत्या का भी आरोप है। जितेंद्र को 2020 में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।